ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर देयर विद यू और आज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में हम जो है बात करेंगे सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन का लफ्ज़ जो है काफ़ी बच्चों ने शायद आज पहली दफ़ा सुना हो या काफ़ी बच्चों को इसका थोड़ा आइडिया भी हो सकता है। सब्लिमेशन इज़ काइंड ऑफ अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज़ नॉट टर्निंग इनटू अ लिक्विड बट इनटू अ सॉलिड गैस, सॉरी, ठीक है। सॉलिड जो है दैट इज़ टर्निंग इनटू अ गैस विदाउट टर्निंग इनटू अ लिक्विड, यानी सॉलिड का गैस में कन्वर्जन इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो ये एक टेक्निक है मिक्सचर को अलग करने की भी या इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने की भी। इसमें लेट्स से दैट कि आपके पास जो सब्लिमेटिव कंपाउंड्स होते हैं उनमें बेंजोइक एसिड जो है इट्स अ वेरी यूजफुल कंपाउंड, बेंजोइक एसिड। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं नैफ्थलीन का नाम आपने शायद सुना हो, या फरनैल की गोलियां होती हैं, या ये लोकल वर्ड है फरनैल की गोलियां, पेटियों में और ये सिंक्स वगैरह में रखते हैं हम, वो नैफ्थलीन। ये एक डबल बेंजीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो उसके अलावा वी कैन से दैट एमोनियम क्लोराइड, ये भी एक ऐसा कंपाउंड है, जिसके थ्रू आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, यानी इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस नॉट टर्निंग इनटू अ लिक्विड, ठीक है। तो ये जो यू कैन से दैट के जो प्रोसीजर्स हैं इनको कैसे किया जाता है ये मैं आपको भी इस टॉपिक में समझाऊंगा। ये देखें, आपने जो है एक स्टैंड ले लिया है, ठीक है, आपने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ स्टैंड ले लिया है, ठीक है। नहीं, मैं उस स्टैंड की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे इस स्टैंड की बात कर रहा हूँ। तो साथ ही आपने इसके ऊपर जो है एक वायर गॉज रखा है, फिर उसमें आपने पेट्री डिश, चाइना डिश रख दी है, और उसमें लेट से आपने नैफ्थलीन पीस कर डाल दिया है या ऐसे ही डाल दिया है, वट एवर यू कैन सेंस, पीस कर डालना ज़्यादा कन्वीनियंट है। और उसके बाद आपने इस पर बेटा फ़नल रखा है, एक फ़नल, ठीक है, फ़नल रखा है आपने इस पर, और फ़नल के टॉप पर यहाँ पर आपने कॉटन लगा दी है, ठीक है। और यू कैन से दैट कि यहाँ पर आपने एक फ़िल्टर पेपर को लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है, फनल के साइडों पे आपने फिल्टर पेपर को लगा दिया है, एंड दैट इज अ वेट फिल्टर पेपर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर वेट फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया है, और ये बंसन नामी एक साइंसदान है जिसका बर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और बंसन बर्नर आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ये लैब में मौजूद होता है बंसन बर्नर। अब बंसन बर्नर जब आपने ऑन करेंगे, यू नो इट जस्ट गिविंग अ वेरी वेरी डेंजरस रेड फ्लेम्स, तो क्या होगा कि द सॉलिड विल टर्न डाउन इनटू अ गैस। अब द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि आपने फनल के अंदर भी जो है एक फ़िल्टर पेपर लगाना है, ठीक है, और उसको आपने जो है प्रॉपरली स्टक कर देना है वाटर के साथ। आपको मैंने ये टेक्निक बताई थी कि फ़िल्टर पेपर को फनल के साथ स्टक कैसे किया जाता है, पिछले लेक्चर्स में आप इसको फॉलो करें। तो अब ये आपने फ़िल्टर पेपर के साथ इसको स्टक कर दिया है। अब बेटा होगा ये कि नैफ्थलीन के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल जस्ट गेट इनटू अ गैशियस फॉर्म एंड गैशियस मॉलिक्यूलर स्टेट में आएंगे और आकर टच करना शुरू कर देंगे इस फिल्टर पेपर पे। विद द पैसेज ऑफ सम टाइम ये सारे के सारे जो नैफ्थलीन के मॉलिक्यूल्स होंगे दे कैन स्टक ऑन दिस फिल्टर पेपर लाइक दिस। लेट्स से दैट के यहाँ पर ये सारे आकर क्या हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, और व्हेन यू जस्ट फाइंड सम टाइम 13 मिनट्स 15 मिनट्स तो आप ये साइड पे करें दोबारा फिल्टर पेपर के थ्रू। अब फिल्टर पेपर आपने ले लिया, ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर अब ये पार्टिकल सारे स्टक हैं। सो ये हमारे पास जो है एक फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर के ऊपर जो है आपने क्या लिया है, उन मॉलिक्यूल्स को लिया है जो कि सब्लिमेट कर गए हैं, ठीक है, सब्लिमेशन हो गई है, दीज मॉलिक्यूल्स आर सब्लिमेटेड। अब ये सब्लिमेटेड मॉलिक्यूल्स के ऊपर मौजूद हैं, अब क्या करेंगे, आप स्पैटुला लेंगे, ठीक है, या आप घर में उसको छुरी का नाम देते हैं, नाइफ का नाम देते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में वो इतनी तेज़ धार वाली नहीं होती, बट उसको हम स्पैटुला कहते हैं, ठीक है, स्पैटुला, स्पैटुला। उसकी मदद से आप खुरचेंगे फिल्टर पेपर को और सैम्पल को आप इकट्ठा करेंगे। ये बेटा आपने प्योर नैफ्थलीन के क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लिया है। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड के साथ भी किया जा सकता है। इसी तरीके से आप बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स को, नो डाउट बेंजोइक एसिड के लिए वी गोना नॉट यूज दिस काइंड ऑफ apparatus डिफरेंट, बट द प्रोसेस इज सेम दैट वी गोना टर्न द सॉलिड इनटू अ गैसियस फॉर्म एंड देन वी गोना गेट इट, यू नो। तो दैट इज द सब्लिमेशन प्रोसेस जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। एंड आई रियली विश, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है बोर्ड में 2 नंबर का कि व्हाट इज सब्लिमेशन। आप पहले डेफिनेशन इसकी प्रिपेयर कर लें और फिर ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा तो आप बता दें इसको कि इनर साइड पे कैसे फनल के जो हैं वो क्रिस्टल्स इकट्ठे होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सो रियली विश यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। और हम इन द नेक्स्ट सेक्शन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके बाद क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।